अपनी दोनों जो परियां हैं वो तैयार हो चुकी है उड़ने के लिए। भाई 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 भाई, कि तुम ही नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो हम अपने YouTube में कैसे बढ़ेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी वो हो रही थी एक्चुअली बाहर से, क्योंकि आज हमने सोचा क्यों ना आज एक ड्रैग रेस करी जाए, वो भी हमारी एक्टिवा और मोनिश भाई की एंटोर के साथ। तो गाइस, आज हम लोग उसका ड्रैग रेस करके देखेंगे। बाकी तो आप सभी को ही पता है और मुझे ही पता है कि जीतने तो एंटोर की वाली, क्योंकि वो 125 सीसी है और जो अपनी एक्टिवा है वो 110 सीसी है। तो जाहिर सी बात है एंटोर की जीतेगी, पर आज हम लोग देख ही लेते हैं ना क्या कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। तो फटाफट से अपन ड्रैग रेस शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अपनी दोनों जो परियां हैं वो तैयार हो चुकी है उड़ने के लिए। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रही अपनी दोनों जो उड़ने के लिए तैयार हैं, और इन दोनों में से करेंगे और देखते हैं कि कौन जीतेगा। वो तो एंटोर की है, पर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है गाइस, ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे। और भी बताता हूँ कि आज ही हमारा पहला ड्रैग रेस है। बाकी अभी तो हमको बहुत सारी जो स्कूटीज़ हैं उनके साथ भी ड्रैग रेस करेंगे, अपनी एक्टिवा से उनसे ही भिड़ाएंगे, सबसे करेंगे। और भी बहुत सारी स्कूटी बाइक्स जो होंगी उनसे हम ड्रैग रेस करेंगे। तो गाइस, जो हम ये करने वाले हैं वो सब हम सेफ्टी वगैरह हेलमेट वगैरह लगा के कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है तो जिससे किसी से मतलब गाड़ी भिड़ भिड़ जाए, किसी को चोट आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। बट आप लोग यहाँ ऐसा मत करिएगा कि कहीं पे भी चालू हो जाए, सिटी वगैरह में भी चालू हो जाए कि भाई नहीं हम तो बल्लमबाज हैं, हम कहीं पे भी ना जा सकते हैं गाड़ी पर, ऐसे नहीं। आपको खुद का भी ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है कि किसी को चोट वगैरह, किसी को कोई दिक्कत ना आए। गाइस, अब हमारी दोनों की दोनों पापा की परियां उड़ने के लिए तैयार हैं और मोनिश भाई भी तैयार हैं। तैयार हो ना भाई? हाँ, बस सेट कर दूँ। हाँ हाँ भाई, अपना माउंट सेट कर लें। बाकी अपनी तो तैयार है, सब हेलमेट वेलमेट में माउंट वाउंट लगा लिए हैं। ऊपर नीचे दिक्कत हो तो आपकी गलती है, आप देख लेना, क्योंकि तुम ही नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो हम अपने यूट्यूब में कैसे बढ़ेंगे, तभी तो नया हेलमेट लेके आएंगे। तो गाइस, हम लोग रेडी हैं। मोनिश भाई चले, 1 2 3 स्टार्ट। भाई 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 भाई, अरे यार चलो, मतलब देख रहे भाई तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, वरना तबाही है भाई, तबाही। तो गाइस, अपना सेकेंड राउंड है। पहले राउंड में तो बहुत बुरी तरह से हार गए हम लोग, पर चलो सेकेंड राउंड करते हैं। सेकेंड राउंड ऑल सेट, चले 1 2 3 स्टार्ट। इसका जो पिकअप है लेट उठता है गाइस, यार यार क्या बनाता है। बाकी हमने धुआं धुआं कर डाला पूरी रोड पे, फिर से मोनिश भाई जीतते हुए। तो गाइस, हमने अब थर्ड राउंड में ये सोचा है कि अब अपनी दोनों गाड़ियां एक्सचेंज होंगी। मैं अब मोनिश भाई की गाड़ी चलाऊंगा और मोनिश भाई मेरी एक्टिवा चलाएंगे, और फिर बाद में देखेंगे कौन किस में, मतलब एक दूसरे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कैसा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, वापस से शुरू करते हैं अपना तीसरा राउंड। ये देखो मक्खन जैसे घुलती है गाइस, मक्खन जैसे, तभी जीत रहे हैं। ये पिकअप देखो, पिकअप शानदार है यार, तभी हमारी गाड़ी का देखो टट्टी है एकदम। पिकअप थोड़ा सा कम पड़ जाता है इसके सामने, इसलिए ये थोड़ी रह जाती है इनिशियल में, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही आता है, वो लॉन्ग रूट में कवर हो जाएगी। ये क्या होंडा क्या है ना, ये अपना क्या दिल लेट पिकअप बनाती है और ये एकदम से ही कवर कर लेती है, वो शुरुआत में ले चलती है। तो वो क्या होता है कि पिकअप ज़्यादा होने की वजह से वो पहले से डिस्टेंस बना लेती है, तो ये कवर करने में इसको टाइम लग जाता है। शायद लॉन्ग रन में पता चल सकता है। अब अपन अगर हाईवे जाएंगे तो फिर से वापस वीडियो शूट करके अपन वापस से चैनल पर डाल देंगे, तो उससे भी काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। बाकी गाइस, ऐसे ही हम अतरंगी अतरंगी स्कूटी लाएंगे और सबके साथ ही दो कंपेरिजन करेंगे, अपने ड्रैग रेस बनाएंगे। बाकी हम बहुत सारी स्कूटी बाइक्स लेके आएंगे, उसके द्वारा हम पूरा जो है ना ड्रैग रेस वगैरह करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे बुरी तरह से हारने के बाद हम लोग अब यहाँ पे अब घर जाने की तैयारी पे हैं। गाइस, हमको तो पहले से पता था कि एंटोर की यार जीतेगी, क्योंकि उसको कहीं वो 125 सीसी और हमारी एक्टिवा सीख जी कहीं 110 सीसी, तो ये तो होना था। बट हमने ट्राई करके देखा कि क्या होता है। बाकी तो हमको और भी ड्रैग रेस करनी है अलग अलग स्कूटियों के साथ, अलग अलग बाइकों के साथ। तो ये तो पहली वीडियो थी, होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और सब जगह शेयर कर दो,
बाकी तो आपको ऐसी बवाल बवाल वीडियो मिलती रहेंगी ऐसी देखने के लिए। और बाकी दोनों एकदम गर्मा गर्मी पापा परियां उड़ के तैयार हो गई, रिलैक्स कर रही हैं। बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसी वीडियो आती रहेंगी और आप शेयर करते रहिएगा, सपोर्ट करिए अपने भाई को। और ये अपने भाई का जो है ना, और एक चीज़ और दिखाता हूँ, अपनी जो एंटवर्क है ना, भाई ने अपना इधर पे चैनल का नाम लिखवा लिया, क्रिकेट फ्रेम्स। तो आप इनके चैनल पे जाइए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद देखने के लिए।